वेलकम बैक टू अवर चैनल माई लवली वर्ल्ड. तो आज का वीडियो है नायका हॉल वॉल्यूम 1 एंड मैंने नायका से ये वाली सेल पे बहुत सारी शॉपिंग की है एंड मैं पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बना रही हूँ जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं. सो अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स डब्बे पूरे फुल आ चुके हैं एंड जो रिमेनिंग आने वाले हैं मैं वो बाद में ओपन करके उसका वीडियो बाद में बनाऊंगी. सो ये काफी सारे स्किन केयर हेयर केयर एंड आई थिंक थोड़े से ही मेकअप प्रोडक्ट्स मिक्स पूरा हॉल है. सो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग ये हॉल स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स से देन हेयर केयर एंड उसके बाद मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी. ये मैंने ऐसे कैटेगराइज किया है. सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है इनिस्फ्री का ग्रीन बार्ली गोमेज पीलिंग मास्क एंड 120 ml इसकी क्वांटिटी है एंड 900 rupees का है ये. आई गॉट इट फॉर अराउंड 700. प्राइस एंड ऑल एंड लिंक एवरीथिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अंदर से ये पूरा ऐसे दिखता है ग्रीन कलर का. सो उसके नीचे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ विनेगर मेड विद फर्मेंटेड ग्रीन बार्ले फ्रॉम जेजू आइलैंड पूरा यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ पे भी पीछे पूरा दिया हुआ है कि कैसा है. तो ये एक्चुअली अगर आपको शॉर्ट रिव्यू दूं बिकॉज मैंने यूज करना स्टार्ट नहीं किया है तो ये पीलिंग मास्क से आपको कुछ देर इसको लगा के रखना है. आई थिंक 2-3 minutes इसको अपने फेस पे लगा के रखना है देन आपको इसको रब करना है. काइंड ऑफ ये वैसा पीलिंग मास्क नहीं है जैसा कि नॉर्मल लगा के आपको पील करना है. ये आपको थोड़ा सा वो करके देन ये पील होगा वैसा लिखा है इसमें एंड इसके काफी अच्छे रिव्यूज थे. आई थिंक सो 4.4 समथिंग थे एंड इसलिए मैंने ये वाला बाय किया. ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये मुझे थोड़े डिस्काउंट में मिला था. सो नेक्स्ट वन इज डॉक्टर शीत का फॉर इंडियन स्किन बेसिक ब्राइटनिंग जेंटल एक्स्ट्रा जेंटल डेली पील. ये पूरा यहाँ पे ऐसे करके दिखता है इसका एंड ये एक्सफोलिएट ब्राइटन और रिपेयर करता है. बेसिकली ये केमिकल एक्सफोलिएटर है. मैं फिजिकल एक्सफोलिएटर अभी फेस पे यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने ये वाला ट्राई किया. बिकॉज ये बहुत जेंटल है इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है एंड इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, पोमीग्रेनेट है, कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट है जो कि स्किन के लिए काफी अच्छा रहता है. दैट आई नो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च ऑन स्किन केयर मैंने देखा है कि काफी ज्यादा अच्छे इंग्रीडियंट्स रहते हैं ये स्किन के लिए. सो इसका जो क्वांटिटी है वो 50 ml है और प्राइस इसका 850 rupees है. मुझे डिस्काउंट में मिला था आई थिंक सो 30% ऑफ था इसमें. और डॉक्टर शीत एक इंडियन ब्रांड है दैट्स वाई भी मैंने लिया. मैं कुछ इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट अभी ट्राई आउट कर रही हूँ. सो दिस वन इज पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री जीएनएन वीगन एंड नॉन टेक टॉक्सिक प्रोडक्ट है ये. मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे थे इसके रिव्यूज. तो ऐसे इतना क्वांटिटी का आता है ये एंड ये पंप प्रोडक्ट है तो ये पंप रहता है. एंड इफ यू आर यूजिंग इट इन मॉर्निंग तो मेक श्योर करें कि आप सनस्क्रीन यूज करें इसके बाद. सो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है. ये भी काफी अच्छी डिस्काउंट में था. एंड उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए वो है शीट मास्क. ऐसा बहुत ही कम हॉल और जब भी कोई डिस्काउंट नायका पे आता है तो मैं हमेशा ही मास्क लेने का ट्राई करती हूँ. और इस बार इसमें अगर आप बाय 5 get 7 फ्री वाला ऑफर था तो मैंने ग्रैब कर लिए. ये डियर पैकर ब्रांड के फेस मास्क है और इसके फेस मास्क मैंने टोमेटो वाला एक यूज किया था, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था तो मैंने इस बार वो 5 मंगा लिए हैं. तो मैं आपको कुछ वेरिएंट्स दिखा देती हूँ. बिकॉज बाय 5 get 7 था तो मैंने 5 मास्क लिए थे 100 rupees के एंड 7 मैंने फिर कार्ट में एड किए थे और जो कि मुझे फ्री मिले टोटली. तो काफी ज्यादा अच्छा ऑफर था ये. सो ये डियर पैकर ब्रांड का है और टोमेटो वाला ऐसा दिखता है ऊपर से. कुछ कुछ वेरियंट मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस वन इज सिनेमन प्लस हनी एंड एक और वेरियंट मैंने जो लिया है वो है लेवेंडर प्लस आर्गन ऑयल. दो तीन वेरियंट ही मैंने इसमें लिए बट मैंने क्वांटिटी ज्यादा ली है. सो अराउंड 12 मास्क इन 500 rupees मुझे काफी अच्छी डील लगी और काफी बजट फ्रेंडली भी लगा. उसके बाद जो प्रोडक्ट लिया है मैंने काफी ज्यादा फेमस था, बहुत से यूट्यूबर्स पे वीडियो बना रहे थे एंड दिस वन इज पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. तो ये मैंने एक बार ट्राई आउट करने के लिए मंगाया है. सो दिस वन इज फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन. इसमें हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है एंड काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके. ऊपर से सुपर लाइट जेल है, आपके फेस को बहुत ज्यादा ऑयली नहीं करेगा. तो मुझे ट्राई आउट करके मैं बता सकती हूँ आपको. 147 ग्राम क्वांटिटी है इसकी एंड 299 rupees है. मुझे डिस्काउंट में मिला था ये, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. मैं आपको नीचे इसका प्राइस दे दूंगी एंड अंदर से पूरा ये पैक्ड है. लेट मी शो यू गाइज कि कैसा है. ओके सो ये ऐसे पूरा रहता है. तो स्किन पे काफी अच्छे से मिक्सअप हो जा रहा है एंड उसके बाद स्टिकी भी फील नहीं हो रहा. सो आई एम प्रीटी श्योर ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है बट मैं आपको यूज करने के बाद ही अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी. उसके बाद जो प्रोडक्ट मैंने लिया है वो भी डॉक्टर शीत ब्रांड से ही है एंड दिस वन इज हल्दी एंड हाइलोरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क ब्राइटन रिपेयर एंड हाइड्रेट. और इसमें टर्मरिक ऑयल है, सीरामाइड्स एंड हाइलोरोनिक एसिड है. 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है. तो ये प्रोडक्ट के मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज देखे थे यूट्यूब में एंड देन इसमें टर्मरिक ऑयल है तो जिसमें भी टर्मरिक होता है मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ उस प्रोडक्ट्स की तरफ एंड ऊपर से ये इंडियन ब्रांड भी है तो मैंने ट्राई आउट करने का सोचा. तो 30 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, प्राइस इसका 850 है. मुझे ये डिस्काउंट में मिला था और मैं आपको
दे दूंगी प्राइस एंड ऑल. सो दिस वन इज पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, नॉन टॉक्सिक है एंड सबसे मेन बात की इंडियन ब्रांड है तो आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए. मैंने अपना नाइट स्किन रूटीन के लिए ये वाला प्रोडक्ट मंगाया है. मैं नाइट स्किन में ट्राई करना चाहती हूँ ये वाला प्रोडक्ट. तो ये ऐसा दिखता है, इतनी क्वांटिटी का रहता है. ये अगर आप इसको अपने एमआरपी पे ले रहे हैं तो आई वुड से कि थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इसकी खुद की साइट पे भी काफी डिस्काउंट रहता है. अगर आप न्यू यूजर है तो 20% समथिंग रहता है एंड नायका पे भी ये काफी अच्छे डिस्काउंट में था. और अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, तो अंदर से काफी जेल लाइक कंसिस्टेंसी का है एंड इसमें येलो कलर के बीड्स हैं छोटे छोटे जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट मंगाया है वो है वेला प्रोफेशनल से. दिस वन इज ऑयल रिफ्लेक्शंस ल्यूमिनस स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स फॉर ऑल हेयर टाइप. सो ये हेयर सीरम है, 30 ml इसकी क्वांटिटी है एंड प्राइस इसका 600 rupees है. मुझे डिस्काउंट में मिला था, आई थिंक सो 400 अराउंड का मिला था एंड ये काफी अच्छा सीरम है. सो ये मैं काफी पहले यूज कर चुकी हूँ और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था ये सीरम एंड इसकी ये पंप पूरे पंप उसमें आता है. काफी ज्यादा चलता है ये प्रोडक्ट बिकॉज इसकी क्वांटिटी आपको बहुत कम लगती है. लाइक मेरे काफी लॉन्ग हेयर्स थे तो उसमें भी काफी ज्यादा चला था. आई थिंक 2 months या 3 months तो आराम से चला था. इसका पूरा यहाँ पे बताया कि आपको कैसे यूज करना है एंड काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. अगर आपको डिस्काउंट में स्कॉशकॉफ और वेला ब्रांड के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं जब भी सेल आती है बिकॉज वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं बट सेल के टाइम पे काफी ज्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं. उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है वो भी सीरम है. दिस वन इज फ्रॉम लॉरियल का टोटल रिपेयर 5 स्मूथनिंग एंड रिपेयरिंग सीरम. तो इसकी क्वांटिटी है 40 ml और ये 150 rupees का. ये भी मुझे डिस्काउंट में मिला था. तो ये काफी बजट फ्रेंडली सीरम है. अगर आप 150 के अराउंड अंडर 150 कोई सीरम के सर्च पे है तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई आउट कर सकते हैं. ये आपके बालों को बहुत स्मूथ आउट कर देता है और ये काफी पहले मैंने यूज किया था एंड ये काफी ज्यादा शाइन दे देता है अपने बालों को. ऑफकोर्स ये फ्रिज फ्री नहीं करता आपके बालों को बहुत ज्यादा. अगर आपके बहुत ज्यादा फ्रिज है तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगी ये वाला. बजट में मैं आपको 2-3 जो है ऑप्शंस दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वाले ट्राई आउट कर सकते हैं. वो वाले मैं आपको रिकमेंड करूंगी. अगर आपके नॉर्मल से हेयर है, बहुत ज्यादा फ्रिज नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. एंड ये इन्होंने बताया कि प्रूवन रिजल्ट क्या है, स्ट्रांग करता है, स्मूथ करता है, लेस फ्रिजी, लेस स्प्लिट एंड्स और डिटेंगल्ड करता है आपके बालों को. यहाँ पे पूरा नीचे दिया हुआ है. जो इसका पैकेजिंग है ये टोटल रिपेयर 5 सीरीज का, मुझे काफी अच्छा लगता है. रेड एंड ब्लैक में अंदर से ऐसी रहती है बॉटल सेम. इसका शैम्पू भी सेम रहता है एंड क्वांटिटी इसकी काफी अच्छी है. काफी ज्यादा अच्छा सीरम है ये वाले प्राइस रेंज में ये. उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो ट्रेसेमे ब्रांड से लिया है मैंने एंड दिस वन इज केराटिन स्मूथ विद केराटिन एंड आर्गन ऑयल प्रो कलेक्शन शैम्पू है ये. सो 185 ml इसकी क्वांटिटी है एंड मुझे ये 130 rupees का मिला है. इसके भी काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे, रिव्यूज देख के मैंने शैम्पू लिया है एंड ये यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि लोअर सल्फेट फॉर्मूला है इसमें एंड 100% प्योर सिल्की हेयर देता है आपको ये. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्योंकि यूज नहीं किया है तो मैं आपको वो रिव्यू नहीं दे सकती अभी इसका. यहाँ पे पूरा पीछे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. डेफिनेटली अगर ये मेरे हेयर्स पे वर्कआउट करता है तो काफी अच्छा बजट फ्रेंडली शैम्पू हो जाएगा ये. रिव्यूज मैं आपको बाद में ही दे पाऊंगी एज यूजुअल क्योंकि अभी मैंने यूज नहीं किया. उसके बाद जो हेयर केयर प्रोडक्ट है वो है लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 एडवांस रिपेयरिंग शैम्पू. इसमें न्यू 20% रिपेयरिंग क्रीम ऐड किया है, अपडेटेड वर्जन है ये. सो ये भी 5 साइंस ऑफ डैमेज को फाइट करता है लाइक हेयर फॉल, ड्राइनेस, रफनेस, डलनेस एंड स्प्लिट एंड्स और डैमेज हेयर के लिए बेसिकली ये. सो इसकी क्वांटिटी 82.5 ml है एंड 60 rupees का प्राइस है. ये भी मुझे इनफैक्ट डिस्काउंट में मिला था. तो ये मैंने ट्राई आउट करने के लिए लिया है. सो मैं कुछ बजट फ्रेंडली शैम्पू ट्राई आउट कर रही हूँ सो दैट मैं एक कलेक्टिव हॉल बना सकूं उसका एंड आप लोग के साथ शेयर कर सकूं. सो अगर ये वाला शैम्पू अच्छा वर्कआउट किया तो मेरे उस वीडियो में ये वाला भी इंक्लूड होगा. उसके बाद जो मैंने हेयर केयर प्रोडक्ट लिया है वो सेबामेड ब्रांड से लिया है. एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये. मुझे बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं इस मानसून पीरियड में, लाइक ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है यहाँ पे क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प है एंड मुझे डैंड्रफ बहुत जल्दी होता है. तो इसलिए मुझे मैंने ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहले ही मंगा लिया एंड दिस वन इज फॉर ऑयली डैंड्रफ प्रॉन स्कैल्प. और ये पीएच बैलेंस, पीएच 5.5 फॉर हेल्दी हेयर एंड स्कैल्प. इसके काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे इसलिए मैंने ये मंगाया है. सो 200 ml इसकी क्वांटिटी है एंड 600 rupees इसका प्राइस है एंड ये मुझे बहुत शायद थोड़े डिस्काउंट में मिला था. आई थिंक सो 10% डिस्काउंट समथिंग, बट मुझे ये मंगाना ही था डैंड्रफ के लिए. अगर आपको डेली हेयर वॉश करना है उसके भी काफी अच्छे उसके शैम्पूज आते हैं. सो दिस वन इज क्लिनिकली टेस्टेड सोप एंड एल्कली फ्री डैंड्रफ इरिटेशन विद
pyroctenolamine, I don't understand the last word, but yeah, काफी ज़्यादा अच्छा है, इसके reviews भी काफी ज़्यादा अच्छे थे, and मतलब 50% less dandruff after 14 days ये claim करता है. अगर आपको बहुत ज़्यादा dandruff हो रहा है, तो मैं definitely आपको medicated shampoo recommend करूँगी, and आपको ये normal hair wash करने के बाद like clean scalp पे use करना है, तो पहले आपको hair wash करना है, उसके बाद ये use करना है, इतना मैंने इसके बारे में पढ़ा. So yeah, ये वाला next मेरा product है. उसके बाद जो product है, ये मैंने अपने husband के लिए मंगाया है. So this one is from L'Oreal professional brand and this one is their hair spa detoxifying conditioner with tea tree oil for oily and dandruff prone scalp. And ये काफी ज़्यादा अच्छा conditioner. Like मैं इसको 10 days में अपने वालों को थोड़ा सा अच्छे से conditioning देने के लिए ये वाला conditioner use करती हूँ. ये आप scalp में भी use कर सकते हैं. And इसका 380 rupees इसका price है. ये भी मुझे थोड़े से discount में मिला था. बहुत ज़्यादा discount नहीं था इसमें. ये काफी ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें tea tree oil है, तो ये आपके dandruff को अच्छे से remove कर देता है. और इसमें cooling menthol है, तो थोड़ा सा cooling feeling भी देता है आपके hairs में. मैं definitely recommend करूँगी ये वाला conditioner आपको. आप इसको 10 days में use कर सकते हैं. मैं इसे daily use नहीं करती, because जब मैंने इसे daily use करना start किया था, तो मेरे hairs थोड़े से brittle हो गए थे. तो मैंने इसको उसके बाद 10 days में switch किया, and it works like a magic, क्योंकि उसके बाद ये बालों को इतना conditioning दे रहा था and काफी ज्यादा अच्छा कर दे रहा था बालों को. तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी L'Oreal प्रोफेशनल ब्रांड से ये वाला कंडीशनर. अब हम लोग आते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स में. मेकअप प्रोडक्ट्स अभी मेरे पास उतने ज्यादा नहीं है, एंड जो फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर, टोन प्लस स्मूदन प्लस परफेक्ट. 30 ml इसकी क्वांटिटी है. ये काफी ज्यादा अच्छा प्राइमर है. काफी ज्यादा लोगों, यूट्यूबर्स, फेमस ब्लॉगर्स ने इसकी तारीफ की है. एंड इसका जो प्राइस है वो 499 rupees है, एंड ये मुझे थोड़े से डिस्काउंट में ही मिला था. एंड लेट मी शो यू कि अंदर से कैसा है. वैसे तो आपने देख ही रखा होगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये काफी ज्यादा प्यारा प्राइमर है, एंड मैं प्राइमर की सर्च में थी, एंड मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली ये वाला ट्राई आउट करना चाहिए. ऐसा ये पूरा रहता है, पूरे पीछे यहाँ पे उसको कैसे यूज करना है, एंड नो एनिमल टेस्टिंग पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि कोई एनिमल पे टेस्ट नहीं किया गया है ये. उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है के ब्यूटी का. ये काजल लिया है. दिस वन इज 24 आवर लास्टिंग ट्रांसफर प्रूफ स्मच प्रूफ कोल्ड स्टार काजल. इसमें कैमोमिल और सेरामाइड है, एंड ऐसा है. और इसका जो शेड है वो है स्पेड. ये भी वन ऑफ द फेमस प्रोडक्ट है फ्रॉम के ब्यूटी. इसकी भी काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज थे. इसका प्राइस आई थिंक 299 या 300 समथिंग है, और ये आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट में नहीं मिला था, 240 समथिंग ऐसे में मिला था. बट ये प्रोडक्ट मुझे लेना था, बिकॉज मुझे काजल लेना है, तो ये वाला मैंने सोचा ट्राई आउट करने को. काफी स्मूथ एप्लीकेशन है इसका, काफी जेट ब्लैक है, मुझे अच्छा लगा ये काजल. स्मच प्रूफ तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, आराम से स्मच हो जा रहा है. बट यह ब्लैक कलर जो है इसका वो काफी इंटेंस है, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये काजल. कलर बहुत अच्छा है, कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है. तो उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए वो नायका के दो लिपस्टिक्स हैं. दिस वन इज नायका गेट सेट मेड डेमीमेट लिप क्रीम. सो ये डेमीमेट लिप क्रीम है, काइंड ऑफ ग्लॉसी सा लुक देते हैं. सो ये पैराबिन फ्री है, नो एनिमल टेस्टिंग, नो प्रिजर्वेटिव है. इसका प्राइस आई थिंक 500 समथिंग था, और मुझे ये 380 या 350 की मिली थी. मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगी नीचे. तो जो फर्स्ट शेड मैंने लिया है वो है स्क्वाड 05, एंड ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा शेड लगा था. तो अंदर से पैकेजिंग इसकी बहुत ही प्यारी है, ऐसे ब्लैक और काइंड ऑफ थोड़ा सा नीचे ब्लैक शेडेड सा वर्जन है, और नीचे इसका जो भी कलर है वो है. मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग, और काफी ज्यादा क्लासी है, एंड ग्लास की बॉटल है. सो लेट मी शो यू द शेड की कैसा शेड है. ओके, सो या सो ऐसे पिंक, सो पिंक सब कलर का शेड है ये. पिंक काफी प्यारा सा, और एंड ये डेमी मैट लिपस्टिक है, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा ग्लॉसी सा लुक है, और मुझे ऐसी लिपस्टिक चाहिए थी, एंड ये काफी प्यारा शेड है. तो जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो इसी रेंज में बेसिक 03 करके शेड है इसका. तो मुझे सेम प्राइस में मिला था. मैं आपको डायरेक्टली इसका शेड दिखा देती हूँ. सो ये ब्राउन से कलर का शेड है, काइंड ऑफ म्यूटेड सा. मैं आपको शेड दिखा देती हूँ अंदर से. तो ये ब्राउन सा शेड है, न्यूड ब्राउन शेड कह सकते हैं आप इसको. तो जो ये नायका सो मैट का जो मद्रास काफी शेड है जो मैंने यूज किया हुआ है, उसी का ये मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी वर्जन लग रहा है, एंड काफी बहुत ज्यादा अच्छा न्यूड शेड है. मुझे दोनों ही शेड बहुत अच्छे लगे, बिकॉज जस्ट मैंने देख के मंगाया, तो मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि कहीं ऐसा ना हो कि शेड बहुत बेकार आ जाए, बट बहुत प्यारे शेड आए हैं. सो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ट्राई आउट प्रोडक्ट है, एंड दिस वन इज लैक्मे का इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आई लाइनर, एंड ये ब्लू कलर, इलेक्ट्रिक ब्लू सा कलर है बिल्कुल. तो 9 ml इसकी क्वांटिटी है, और आई थिंक सो ये मुझे ₹100 ही मिला है, या 100 का ही मिला है. मैं डेफिनेटली आपको प्राइस ऑल दे दूंगी. सो मुझे काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट लगा ये. मैं आपको शेड
स्वैप करके दिखा देती हूँ कि कैसा कलर है. एंड कलर बहुत ही प्यारा है, इलेक्ट्रिक ब्लू सा एकदम है. सिर्फ आपको किसी ने लाइट सा आई शेडो मेकअप करना है तो आप डेफिनेटली ये वाला अगर आई लाइनर लगा लेते हैं तो आपका मेकअप एकदम से पॉपअप हो जाएगा. मुझे काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट लगा ये. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है नायका ब्रांड की नेल पेंट. तो मैं हर बार हॉल में नायका ब्रांड की नेल पेंट जरूर कलेक्ट करती हूँ. सो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 199 रुपीज है एंड मैंने इसको आई थिंक 139 या 134 समथिंग में लिया था. एंड जो फर्स्ट शेड है वो है स्ट्रॉबेरी टार्ट. ये बहुत ही पिंकी सा शेड है. तो ये वाला नायका का नेल पेंट मेरे पास पहले ही था एंड ये बहुत ही प्यारा शेड है और रानी पिंक सा एंड आपके हाथ को एकदम ही मैनिक्योर सा बना देता है. डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी. ये वाला न्यू शेड लिया है मैंने एंड ये वाला शेड है लेवेंडर क्रश. बहुत ही प्यारा लेवेंडर शेड है ये एंड मुझे अच्छा लगा. जैसा कलर इसमें दिख रहा था वैसे ही कलर आया है. ये वाला शेड भी मैंने लास्ट हॉल में इंक्लूड किया था नायका के सीसम सीट समथिंग. सो सीसम समथिंग करके शेड था और ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे. नायका की नेल पेंट मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा लास्ट करती है, वो चिप ऑफ हो जाती है अगर आप घर के बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप. पर फिर भी बजट में इसके कलर रेंज बहुत अच्छे हैं इसलिए डेफिनेटली मैं आपको चेकआउट करने को बोलूंगी नायका की नेल पेंट. सो अभी के लिए इतने ही मेकअप प्रोडक्ट्स मेरे आए हैं. उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो है हाउस होल्ड आइटम. सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है हाउस होल्ड आइटम है वो है मेरिको ब्रांड से वेजी क्लीनर एंड इट्स क्लीन्स ऑल फूड्स एंड वेजिटेबल्स. ये 199 रुपीज का है एंड 400 ml की क्वांटिटी है. मैं ऑलरेडी पहले इसका एक मंगा चुकी हूँ और वो यूज कर रही हूँ. सो वो वाला खत्म होने वाला है इसलिए मैंने ये वाला मंगाया एंड ये रियली बहुत अच्छा है. लाइक जितने भी वेजीज हम लाते हैं इसमें हम वॉश कर देते हैं और कोरोना के टाइम पे हम लोग सारे वेजीज ऑलरेडी वॉश करें, इवन सारे आइटम्स हम अच्छे से सैनिटाइज करके रख रहे हैं. तो वेजीज में वैसे भी बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स होता है तो उसके लिए भी वेजी क्लीनर काफी अच्छा है. तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी आपको. हमारी को बहुत ज्यादा फेमस ब्रांड है तो मैं आपको क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज एंड प्राइस वाइज बोलूंगी काफी अच्छा बजट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट. उसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है सेवलॉन ब्रांड का जर्म प्रोटेक्शन वाइप्स एंड इसमें 72 थिक वाइप्स हैं. काफी अच्छा बजट फ्रेंडली ये भी है. 185 रुपीज है बट मुझे ये डिस्काउंट में मिला था. 72 वाइप्स मिल जाती है, काफी ज्यादा आपको अच्छी खासी वाइप्स मिल जाती है. सो या गाइज ये था मेरा नायका हॉल पार्ट 1. एंड आपका इसमें से कौन सा फेवरेट प्रोडक्ट है या जो आप ऑलरेडी ट्राई आउट कर चुके हैं या किसी का रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा. इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय.